मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने क्या पढ़े इतने दिन? हमने पढ़े व्यंजन। क्या पढ़े थे? व्यंजन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? व्यंजन पढ़े थे। आज हम क्या करते हैं? व्यंजन को रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। कैसे कमाल, कैसे कबूतर, कैसे कमाल, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे खरगोश, कैसे खरबूजा, कैसे खरगोश, कैसे खरबूजा, कैसे गमला, कैसे गहना, कैसे गमला, कैसे गहना, कैसे घर, कैसे घड़ी, कैसे घर, कैसे घड़ी, ऐसे खाली, जैसे चम्मच, जैसे चरखा, जैसे चम्मच, जैसे चरखा, जैसे छतरी, जैसे छड़ी, जैसे छतरी, जैसे छड़ी, जैसे जग, जैसे जहाज, जैसे जग, जैसे जहाज, जैसे झरना, जैसे झूला, जैसे झरना, जैसे झूला, जैसे खाली, तैसे टमाटर, तैसे टमाटर, तैसे टमटम, तैसे टटेरा, तैसे ठप्पा, दैसे डमरू, दैसे डलिया, धैसे ढपली, धैसे ढोलक, अणैसे खाली, तैसे तरबूज, तैसे तरकस, तैसे तरबूज, तैसे तरकस, तैसे थर्मस, तैसे थर, तैसे थर्मस, तैसे थैन, दैसे दमकल, दैसे दमकल, दैसे दरी, दैसे दमकल, दैसे दरी, धैसे धनुष, धैसे धनुष, धैसे धन, धैसे धनुष, धैसे धन, नैसे नथ, नैसे नल, नैसे नथ, नैसे नल, पैसे पपीता, पैसे पता, फैसे फल, फैसे फैन, वैसे बता, वैसे बर्तन, भैसे भालू, भैसे भगत, मैसे मछली, मैसे मकड़ी, यैसे यज्ञ, यैसे यज्ञ, रैसे रैस, रैसे रैत, लैसे लड्डू, लैसे लट्टू, वैसे वन, वैसे वक्त, सैसे शलगम, सैसे शहद, सैसे शलगम, सैसे शहद, सैसे षटकोण, सैसे षटपद, सैसे सड़क, सैसे सड़क, सैसे सपेरा, हैसे हाथी, हैसे हैल, अक्ष से क्षत्रिय, अक्ष से छमा, त्रैसे त्रिशूल, त्रैसे त्रिभुज, गैसे ज्ञानी, गैसे ज्ञापन, स्रैसे शुर्वण, स्रैसे शर्मित, स्रैसे शर्वण, स्रैसे शर्मित,
अब हम देखते हैं अतिरिक्त व्यंजन। रैसे रबड़, सैसे सड़क, ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन। ढह पढ़ाई, कढ़ाई, तो इसमें ढह क्या है? अतिरिक्त व्यंजन। उसमें अड़ क्या है? अतिरिक्त व्यंजन। ओके, अब हम क्या देखते हैं? अभ्यास कार्य। क्या देखते हैं? अभ्यास कार्य। क्या देखते हैं? अभ्यास कार्य। चित्र देखकर पहला वर्ण लिखो। क्या करना है इसमें? चित्र को देखना और पहला वर्ण क्या करना है? लिखना है। ये क्या है? फल। तो यहाँ पे क्या आएगा? फल। तो ये क्या हो गया? फल, फल। ये क्या है? थर्मस। तो यहाँ पे क्या आएगा? थर्मस। शहद, शहद। जहाज, जय, जहाज। ये क्या है? दलिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? डे। ये क्या है? ज्ञानी। तो यहाँ क्या आएगा? गे। गैसे ज्ञानी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण देखकर सही चित्र पर, सही चित्र पर लगाओ। वर्ण देखकर क्या करना है? सही चित्र पर लगाना है। इसमें से सही चित्र देखना है। वैसे नल होता है क्या? नहीं, वैसे बत्तख होता है। तो बत्तख पे क्या लगाना है? चिल लगाना है। कैसे क्या होता है? कबूतर। तैसे तरबूज। तो इसमें क्या करना है आपको? वर्ण देखकर सही चित्र पर टिक लगाना है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चित्रों का उनके नाम के पहले वर्ण से मिलान करो। क्या करना है? चित्रों का उनके नाम से पहले को मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। ये क्या है? लैसे लड्डू, डैसे दलिया, धैसे धनुष, थैसे थर्मस, भैसे भालू, हैसे हैल, अक्षे से क्षमा, थैसे ठटेरा। नेक्स्ट क्या है? दिए गए वर्ण से पहले का वर्ण लिखो। वाय के पहले क्या आता है? लैसे लट्टू, मैं से पहले भैसे भालू, दैसे पहले थैसे थर्मस, सैसे पहले सैसे षटकोण, चैसे पहले अड़ैसे खाली, गैसे पहले खैसे खरगोश। अगले में क्या करना है? दिए गए वर्ण के बाद का वर्ण लिखो। इनमें क्या लिखना है? बाद का वर्ण। डैसे डमरू के बाद में क्या आता है? ढैसे ढक्कन। सैसे सलगम के बाद में सैसे षटकोण। घैसे घड़ी के बाद में अड़ैसे खाली। लैसे लट्टू के बाद में वैसे वक्त। तैसे तरबूज के बाद में थैसे थर्मस। सैसे सपेरा के बाद में हैसे हैल। तो इसमें क्या करने है आपको? बाद के वर्ण राइट करने हैं। ओके, ऐसे हम इसमें भी क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। चित्र देखकर उनके नाम का पहला वर्ण लिखो। ये क्या है? गमला। गैसे क्या होता है? गमला। ये क्या है? घैसे घड़ी। ये क्या है? थैसे
थर्मस। ये क्या है? ओ से ओखली। ये ख से खरगोश। री से ऋषि। आ से आम। ठ से ठटेरा। ऐसे अनार। जैसे जहाज। त्रैसे त्रिशूल। जैसे चरखा। पैसे पतंग। रैसे रैत। ये क्या है? यैसे यज्ञ। बैसे बतख। तो इसमें आपको क्या करना है, चित्र को देखकर उनके नाम का क्या लिखना है, पहला वर्ण लिखना है। अगले में क्या करना है, चित्र देखकर उनके नाम के पहले वर्ण से क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। ये क्या है? धै से धनुष। तो धै से धनुष से क्या करना है, इसको मिलान करना है। ये क्या है? मैं से मछली। न से नैन। फ से फैल। ये क्या है? ये क्या है? सै से सलगम। पैसे पतंग। बैसे बतख। गैसे गमला। गैसे गमला। गैसे ज्ञानी। उठैसे छतरी। तो ये क्या है, चित्र को देखकर उनके नाम के पहले अक्षर से क्या करना है, पहले वर्ण से मिलान करना है। ओके ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है, आज आपको स्वर एंड व्यंजन को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से रिपीट करना है, और जो इसके अभ्यास कार्य दिया हुआ है उनको क्या करना है, अपनी बुक में फील करना है, इनको अच्छे से राइट करने की प्रैक्टिस करनी है, स्वर एंड व्यंजन को, और अच्छे से इनको स्पीक करने की प्रैक्टिस करनी है, और जो इसमें अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसको क्या करना है, इनको फील करना है अपनी बुक में। जिन बच्चों के पास बुक का उनको बुक में फील करना है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं उनको अपने नोटबुक में राइट करके क्या करना है, उनको राइट करने की प्रैक्टिस करनी है, उनको स्पीक करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों।